नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीबीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, इकचारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। भागलपुर में शनिवार को बनेगी विश्व की सबसे बड़ी मानव रचित श्रृंखला, दुनिया को देंगे शांति का संदेश, सारी तैयारी हुई पूरी। मन में बापू कार्यक्रम को लेकर सैंडिस कंपाउंड से निकाली गई रैली, अर्जित शाश्वत ने इतिहास बनाने के लिए शहरवासियों को किया आमंत्रित। जर्जर हो चुके सदर अस्पताल, नई बिल्डिंग में होगा शिफ्ट, मरीजों को मिलेगी बेहतर सुविधा। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को लेकर बांका में लगा शिविर, डीएम और एसपी ने किया शुभारंभ। और नोटबंदी के 3 वर्ष पूरा होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूंका प्रधानमंत्री का पुतला। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर का ऐतिहासिक सैंडिस मैदान शनिवार को इतिहास रचने जा रहा है। इसको लेकर मैदान में चल रही तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यस वी कैन डू द्वारा आयोजित मन में बापू कार्यक्रम को लेकर शनिवार की सुबह 5,000 की संख्या में स्कूली बच्चे गांधी की वेशभूषा में विश्व को शांति का संदेश देंगे, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होगा। कार्यक्रम को लेकर लंदन से वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी भागलपुर पहुँच चुकी है। कार्यक्रम को लेकर पुष्प पांडे ने बताया कि बापू के बताए संदेशों को आत्मसात कर मानव रचित दुनिया का विशाल शांति चिन्ह बनाया जाएगा। इसको लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। कल होने वाले ऐतिहासिक कार्यक्रम को लेकर अभी सैंडिस कंपाउंड में तैयारी अंतिम चरण में है और जोरों शोरों से पूरे यस वी कैन डू की टीम तैयारी में लगी हुई है और यह तैयारी अंतिम पड़ाव में है। पूरी तैयारी चल रही है, कल यह सज धज कर तैयार होगा। यहाँ पर 5,000 से ज्यादा बच्चे गांधी जी बनकर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अपना भागलपुर का नाम दर्ज करेंगे और भागलपुर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। यस वी कैन डू द्वारा आयोजित मन में बापू कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार की शाम सैंडिस मैदान से रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व कार्यक्रम के संयोजक अर्जित शाश्वत चौबे ने किया। इस दौरान रैली आयोजन स्थल से निकलकर सबसे पहले तिलका मांझी चौक पहुंची, जहां अर्जित शाश्वत ने लोगों को संबोधित करते हुए अधिक से अधिक संख्या में शनिवार की सुबह आयोजन स्थल पर पहुंचने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रैली शहर के विभिन्न इलाकों का भ्रमण करते हुए वापस सैंडिस कंपाउंड लौट गई। अर्जित ने कहा कि भागलपुर का नाम शनिवार को इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने वाला है। एक साथ गांधी की वेशभूषा में शहर के 5,000 बच्चे विश्व की सबसे बड़ी मानव रचित श्रृंखला बनाने वाले हैं, जो विश्व को शांति का संदेश देंगे। अर्जित ने शहरवासियों से इस भव्य आयोजन में शामिल होने की अपील की है। इस मौके पर सहसंयोजक दीपक शर्मा, शानू शर्मा, करण शर्मा, दीक्षा राज सहित यस वी कैन डू के सदस्य मौजूद थे। हम लोगों ने आज शांति मार्च गांधी जी के 150वीं जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर भागलपुर में कल एक इतिहास रचने जा रहे हैं। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड आप लोगों को मालूम है, उसमें भागलपुर का नाम शामिल कैसे हो उसके लिए एक अटेम्प्ट लिया जा रहा है और यूनाइटेड नेशन पीस सिंबल जो है, यूएन पीस सिंबल, उस सिंबल का निर्माण भागलपुर के नौनिहाल 5,000 से भी अधिक बच्चे करेंगे। और उसकी पूर्व संध्या पर आज इस सैंडिस मैदान से हम लोगों ने जन जागृति के लिए जो शांति का प्रतीक हम लोग बना रहे हैं, उसी शांति के लिए, सद्भाव के लिए, सौहार्द के लिए, भागलपुर के पर्यावरण संरक्षण के लिए और हेल्दियर भागलपुर, ग्रीन भागलपुर, स्मार्टर भागलपुर, ये कैसे बन सके, इसके लिए कार्यक्रम आयोजित था। और अभी का जो ये मार्च था वो शांति मार्च था, लोगों में संदेश देने के लिए कि आने वाले समय में भागलपुर को और बेहतर और सुंदर और रहने लायक हम लोग कैसे बनाएं। भागलपुर घंटाघर स्थित सदर अस्पताल को दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट करने की कवायद शुक्रवार से शुरू हो गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि सदर अस्पताल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी थी, साथ ही सदर अस्पताल में बेडों की संख्या बढ़ाई जानी थी, जिसको लेकर अस्पताल कैंपस में ही बने क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में सदर अस्पताल को शिफ्ट किया गया है। नई बिल्डिंग में सदर अस्पताल के शुरू होने से महिला मरीजों एवं गर्भवती महिलाओं के लिए सुविधाएं बढ़ जाएगी। अस्पताल के बिल्डिंग में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर बनाया गया है, साथ ही बेडों की संख्या बढ़ गई है, जिससे इलाज कराने आए मरीजों को काफी सहूलियत होगी। नया बिल्डिंग तो नहीं है, बिल्डिंग पुरानी है, वो क्षेत्रीय परिवार कल्याण संस्थान की बिल्डिंग थी जो कि काम में नहीं आ रहा था, तो उसको सरकार के आदेशानुसार हम लोगों को आदेश मिला कि उसमें आप सदर अस्पताल उसमें चालू कीजिए। तो हम लोग उसमें लगे हुए थे 1.5 महीने से,
और उम्मीद है कि अगले दो दिन में वहाँ पर सदर अस्पताल शिफ्ट हो जाए, वहाँ का OT वार्ड वगैरह सब वहाँ चला जाएगा सब कुछ। बांका के RMK स्कूल खेल मैदान में शुक्रवार को मुख्यमंत्री परिवहन योजना सरीन शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन DM कुंदन कुमार और SP अरविंद गुप्ता ने दीप जलाकर किया। शिविर में काफी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए DM ने कहा कि परिवहन योजना मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका लाभ बांका के युवा उठाकर रोजगार की दिशा में आगे बढ़ेंगे। DM ने कहा कि बांका मंदार की पवित्र भूमि है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। DM ने परिवहन योजना के लिए तय समय सीमा के अंदर आवेदन कर युवाओं से लाभ लेने की अपील की। वहीं शिविर में कई वाहन कंपनियों के द्वारा स्टॉल लगाया गया था। इस अवसर पर SDO, DPRO, VDO एवं जिले के सभी अंचलाधिकारी मौजूद थे। एक तो अवेयरनेस भी है, जो मैंने बताया अभी 341 और रिक्तियां हैं, जिसमें कि जो युवा हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और उनको जो है वाहन मिल जाएगी। दूसरी जो चीज़ है कि वो जो भी लोग ऑलरेडी जिनको कि ये सैंक्शन हो गया है, वो आज अपने वाहन खरीद रहे हैं और ऑन स्पॉट हम लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, कंप्यूटर वगैरह सब यहाँ पे लगे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि तुरंत तत्काल जो है ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ताकि उनको जो है कहीं भटकना ना पड़े। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएँ। और मैंने जैसा कि बताया कि ब्लॉक वाइज भी रिक्ति हम लोगों ने बता दी है, जो रिक्तियाँ हैं उसमें 11 तारीख तक सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं इस चतुर्थ फेज में और लाभ उठा सकते हैं। नोटबंदी के 3 वर्ष पूरा होने को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्टेशन चौक के समीप प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अमित आनंद ने किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अमित आनंद ने कहा कि 3 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का काला कानून लाया था, जिसके कारण व्यापारियों और गरीबों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। नोटबंदी के कारण लोग अब तक हताश है। जैसे आप सबको मालूम होगा कि आज नोटबंदी का 3रा वर्ष था। आज ही के काला कानून देश का उनको प्रधान सेवक कहते थे, उन्होंने किस प्रकार से गरीबों को, व्यापारियों को, बेरोजगार युवाओं को और तमाम जो हमारे छोटे छोटे तबके के जो लोग थे, जो रोजी रोजगार के लिए अपना धन इकट्ठा करके और मेहनत की कमाई को जो समेट कर रखे थे, उन्होंने एक धक्के में नोटबंदी करके सबको हताश बेहताश कर दिया। सब निराश रहे इस चीज़ को लेकर के और इसे इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया इस नोटबंदी को, जैसे मानिए ये नोटबंदी एक देश हित में और देशभक्ति से इसको जोड़ करके अपने जो गुनाह उन्होंने किया उसको छुपाने का काम किया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए Silk TV। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर PVY आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1 लाख रुपए प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाएं, फिर रजिस्ट्री कराएं। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपये में। आवासीय जमीन मात्र 1 लाख रुपए प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070907567 6375423152462001022297 बलुआ टोला, करेला, नाथनगर, भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं Silk TV। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के उर्दू बाजार स्थित राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी में शुक्रवार को शहर के चर्चित समाज सेवी दिवंगत धुरी यादव की आत्मा की शांति के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में जिले के विभिन्न सामाजिक संगठन, केंद्रीय काली पूजा समिति एवं दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने दिवंगत धुरी यादव की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान शोक सभा में मौजूद लोगों ने घटना में शामिल आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग पुलिस प्रशासन से की है। वहीं कई सामाजिक संगठनों
संगठनों के सदस्यों ने कहा कि इस घटना से पूरा शहर आहत है। मैं अनिकेत यादव, युवा नेता, भागलपुर, और इस दुख की घड़ी में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे गार्जियन समान श्री चिरंजीवी यादव जी अब नहीं रहे, लेकिन उनकी जो अधूरी लड़ाई है हम लोग उनके लिए लड़ेंगे और सामाजिक लड़ाई के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। भागलपुर मधुसूदनपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 5 लीटर देसी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि महमदपुर गांव में बुलबुल कुमार के द्वारा अवैध शराब बनाने और बेचने की सूचना कई दिनों से मिल रही थी, जिसके बाद गुरुवार की देर शाम महमदपुर गाँव में छापेमारी की गई, जिसमें बुलबुल कुमार के घर से गैलन में भरी शराब को बरामद किया गया। साथ ही मौके से आरोपी को भी धर दबोचा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। 23 अक्टूबर की सुबह ड्यूटी के दौरान गार्ड जवान के साथ बदमाशों ने मारपीट कर राइफल छीनने का प्रयास किया था। जांच के दौरान नौगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने घटना को असत्य पाया, जिसके बाद होमगार्ड जवान को निलंबित कर दिया गया। इस घटना के विरोध में शुक्रवार को अनुमंडल कार्यालय परिसर में बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ की ओर से बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष देशबंधु आजाद ने कहा कि पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा होमगार्ड जवान को झूठे आरोप में फंसाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। बीपुर के झंडापुर में सामूहिक दुष्कर्म एवं ट्रिपल मर्डर मामले में पॉक्सो कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी करार दिया। 2 वर्ष पूर्व हुए घटना में पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने आरोपियों को दोषी पाते हुए 16 नवंबर को सजा की बिंदु पर बहस करने की तारीख मुकर्रर की है। दरअसल 26 नवंबर 2017 को नाबालिग के साथ उसके घर घुसकर 4 आरोपियों ने गैंगरेप किया था। इस दौरान जब नाबालिग ने विरोध किया तो तेज धारदार हथियार से उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। वहीं घटना का विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़िता की मां, पिता एवं भाई की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी थी। कोर्ट ने इस घटना को रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना है। भागलपुर के इब्राहिमपुर में शुक्रवार को इस्लामिक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अंजुमन असरफिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता मौलाना सैयद महमूद अशरफ ने की। कार्यक्रम को लेकर संस्था के अध्यक्ष मौलाना कमर अशरफी ने कहा कि स्कूली बच्चों में इस्लामिक शिक्षा का आदान प्रदान हो, इसको लेकर पिछले 5 वर्षों से लगातार प्रयास किया जा रहा है। वहीं डॉक्टर सज्जाद आलम रिजवी, मौलाना फारूक आलम अशरफी और मौलाना मुकर्रम साहिन ने निर्णायक की भूमिका निभाई, जबकि सचिव मुफ्ती फहीम ने बताया कि क्विज प्रतियोगिता में भागलपुर के अलावा आसपास के जिलों के बच्चों ने भी शिरकत की है। वहीं स्कूली बच्चों ने नातिया कलाम की शानदार प्रस्तुति दी और इस्लामिक शिक्षा पर अपने विचार रखे। कमेटी के मंजर आलम और बबलू खान ने बताया कि प्रतियोगिता में मोहम्मद साहब की जीवनी पर भी प्रकाश डाला गया। 2015 से इस प्रोग्राम का आगाज हुआ है और इसका मकसद ये है कि स्कूल में पढ़ने वाले जो हमारे मुस्लिम तलबा हैं उनको इस्लामी और दीनी एतबार से जो उनकी तालीम है उनको उनके उम्र के एतबार से उसको मुकम्मल किया जाए। और इसके लिए तंजीम अपनाए अशरफी के नाम से इब्राहिमपुर में एक तंजीम है तलबा नौजवानों की, वो एक सिलेबस बुक भी तैयार है और इसके लिए क्लास 1 से लेकर 9 तक के तलबा के लिए 5 बैच बनाए गए हैं। बांका के कटोरिया में हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े CSP संचालक को जख्मी कर रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि कटोरिया थाना क्षेत्र के दामोदरा पंचायत के हिरना जंगल के समीप CSP संचालक संजय सुमन बैंक से 95,000 रुपये की निकासी कर केंद्र जा रहा था। इसी दौरान बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने हथियार के बल पर बैग लूट लिया। वहीं संचालक द्वारा विरोध करने पर रिवॉल्वर की बट से मारकर संचालक को जख्मी कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी तुलसीवरण गांव की ओर फरार हो गए। वहीं घायल CSP संचालक को इलाज के लिए कटोरिया रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद क्षेत्र के सभी CSP संचालक में भय व्याप्त है। वहीं कटोरिया पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। भागलपुर के मंदरोजा स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में शुक्रवार को श्री श्याम बाबा का जन्मोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन श्री श्याम भक्त मंडल न्यास की ओर से किया गया। इस दौरान अखंड ज्योत पाठ एवं भजन कीर्तन का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें श्याम बाबा के गीतों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। वहीं पूरे मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्ट्रा ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1 लाख रुपए प्रति कट्ठा। भागलपुर में शनिवार को बनेगी विश्व की सबसे बड़ी मानव रचित श्रृंखला, दुनिया को देंगे शांति का संदेश, सारी तैयारी हुई पूरी। मन में बापू कार्यक्रम को लेकर सैंडिस कंपाउंड से निकाली गई रैली, अर्जित शाश्वत ने इतिहास बनाने के लिए शहरवासियों को किया आमंत्रित। जर्जर हो चुके सदर अस्पताल, नई बिल्डिंग में होगा शिफ्ट, मरीजों को मिलेगी बेहतर सुविधा।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को लेकर बांका में लगा शिविर डीएम और एसपी ने किया शुभारंभ। और नोटबंदी के 3 वर्ष पूरा होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूंका प्रधानमंत्री का पुतला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।